मध्य प्रदेश की राजनीति में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के तमाम मंत्री अब अपने मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री कमलनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि टाइम दीजिए सीएम साहब। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर मसला क्या है, दरअसल आखिर ऐसी क्या वजह है कि सिंधिया गुट से जुड़े तमाम मंत्री अब धीरे धीरे दबी जुबां से ये स्वर बुलंद कर रहे हैं कि टाइम दीजिए सीएम साहब। दरअसल ये दर्द बयां हुआ है मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में। इस बैठक के दौरान सिंधिया गुट से जुड़े एक कद्दावर मंत्री ने जब सीएम साहब को कहा कि सुनिए सीएम साहब, यदि मध्य प्रदेश की जनता का भार आपके कंधों पर है तो बतौर मंत्री तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन का भार भी मध्य प्रदेश सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्रियों पर भी है। कैबिनेट मंत्रियों का ये दर्द है कि सीएम साहब उन्हें सही समय नहीं दे रहे और अपनी ही सरकार में कांग्रेस के ही विधायकों की सुनवाई नहीं हो पा रही। ये दर्द बयां किया मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने। ये दर्द बयां होते ही सिंधिया गुट से जुड़े तमाम मंत्रियों ने भी सुर में सुर मिला दिए और इसके बाद सीएम कमलनाथ ने कहा कि मुझे पता है कि आप किसके इशारे पर ये बयान दे रहे हैं और ये बात कह रहे हैं। ये तमाम बातें कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद मीडिया तक पहुंची और मीडिया तक पहुंचने के बाद जनता के कानों तक पहुंच गई। क्या है पूरा मसला और क्या है आखिर मजबूरी कि मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ अपने ही मंत्रियों से कंजूसी के साथ मिल रहे हैं और मिलने में जरा गुरेज कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच हुआ पंगा। सीएम कमलनाथ से भिड़े सिंधिया के करीबी मंत्री। सिंधिया समर्थक मंत्री ने कैबिनेट बैठक में तोड़ी मर्यादा। मुख्यमंत्री और मंत्री के विवाद से गरमाई सियासत। सुनिए सीएम साहब, ऐसे नहीं चलेगा। कैबिनेट बैठक में यह बात सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जब सीएम कमलनाथ से कही तो सन्नाटा छा गया और उपस्थित सभी मंत्री और अधिकारी हैरान रह गए। दरअसल सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में पिछले सालों का अगर इतिहास देखा जाए तो छोटी मोटी नोकझोंक तो हो ही जाती है, लेकिन जिस तेवर में सिंधिया के समर्थक मंत्री ने कैबिनेट की मर्यादा तोड़ते हुए सीएम से बात की, यह तो इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। जानकारी के अनुसार मंत्रियों के विभागों में हस्तक्षेप न करने की बात को लेकर यह बहस शुरू हुई और सिंधिया समर्थक मंत्रियों ने एक स्वर में अपने तेवर दिखाना शुरू किए। इसी संदर्भ में जब बात आगे बढ़ी तो सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तीखे स्वर में कहा, सुनिए सीएम साहब, ऐसा नहीं चलेगा। तो जवाब में सीएम कमलनाथ ने कहा, मैं जानता हूँ किसके कहने पर यह कह रहे हो। सूत्रों की अगर माने तो बैठक में कमलनाथ समर्थक मंत्री सुखदेव पांसे ने मंत्रियों को समझाया। वहीं तीखी बहस के दौरान सिंधिया समर्थक अन्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के पक्ष में उतर आए। इन्होंने एक सुर में कहा कि हमारे विभागों में किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, इस खास रिपोर्ट के जरिए आपने जाना और समझा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की कलाई खुल गई है और एक तरफ है सिंधिया की सेना तो दूसरी तरफ है कमलनाथ सरकार के तमाम मंत्रियों की सेना। ये हम नहीं कह रहे बल्कि तमाम सियासी समीकरण ऐसा इशारा कर रहे हैं। दरअसल हो भी कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि सीएम हाउस में जाने से पहले विधायकों को एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजरना होता है और मंत्रियों को भी सीएम साहब से मिलने के लिए बड़ी अपॉइंटमेंट प्रोसेस से गुजरना होता है। और शायद यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े तमाम नेता और कैबिनेट मंत्री अब सीएम साहब को सीधा और प्रत्यक्ष पैगाम देने जा रहे हैं। ये बात है कि अगर कोई मंत्री अपनी बात रखना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री जी को
जिनकी व्यस्तता के बावजूद भी समय देने की आवश्यकता है, और मंत्री अपनी बात रखना चाहते हैं, मंत्रियों के पास ही पूरे प्रदेश का भार होता है, और मुख्यमंत्री सदन में विधायक और मंत्रियों के नेता होते हैं, तो नेता का से हर आदमी अपनी बात कहना चाहेगा, तो अपनी व्यस्तता के समय से भी मुख्यमंत्री समय थोड़ा और निकालेंगे, तो इससे मंत्रियों को अपनी बात रखने में सुविधा होगी। बहरहाल, किस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति इस घटनाक्रम के बाद उबाल पर है और कैसे सियासत गरमाने लगी है, तमाम जानकारियां लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर राहुल पटेल से। राहुल, जरा बताइए, क्या वाकई में मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसे हालात बनने लगे हैं, और एक तरफ खड़ी नजर आ रही है सिंधिया की मंत्रियों की सेना, तो दूसरी तरफ खड़ी आ रही है यहां पर कमलनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की सेना, आखिर क्या है पूरा माजरा? जी निश्चित तौर पर महन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सीएम कमलनाथ की मुसीबतें इन दिनों बढ़ती जा रही है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बीते दिनों जिस प्रकार से घटनाक्रम चल रहा है, एक के बाद एक सिंधिया के करीबी मंत्री कहीं ना कहीं सीएम कमलनाथ को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आप एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की बात करें तो जिस तरह से एमपी न्यूज़ ने बात की थी सिंधिया के करीबी माने जाने वाले मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से, उन्होंने भी कहा था कि उन्हें समय चाहिए नीतियों पर चर्चा करने के लिए, उन्हें समय चाहिए, चूंकि वो उनके नेता हैं, सीएम एक नेता होता है विधायकों का, लिहाजा उन्हें भी समय चाहिए कि जनता की समस्याओं पर मंथन किया जा सके। समय नहीं मिलने के कारण कहीं ना कहीं बाकी तमाम जो मंत्री हैं उनमें रोष व्याप्त है, उनमें कहीं ना कहीं एक बात सामने आ रही कि उनमें इस तरह की बातें की जा रही कि उन्हें समय मिलना चाहिए, एक तो बात यह रही। और बीते दिनों भी जिस तरह की खबरें आई थी कि प्रद्युमन सिंह तोमर, ये भी सिंधिया खेमे के मंत्री हैं, इन्होंने भी कहा था कि सीएम कमलनाथ जो है वो उनके साथ में जस्टिस नहीं कर रहे हैं, इस तरह से जो काम चल रहा है वो कार्यशैली से कहीं काफी नाराज नजर आए, और जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आया कैबिनेट बैठक के दौरान कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी भी सामने आई। अब तक ये देखा जा रहा था कि ये जो कांग्रेस की जो अंदर खाने जो गुटबाजी वो अंदर खाने नजर आती थी, लेकिन एक बार फिर सूत्रों की माने तो कैबिनेट बैठक के दौरान जो कुछ वाकया हुआ जिससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में अब सब कुछ सही नहीं चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा था कि सुनिए सीएम साहब, इस तरह से नहीं चलेगा, वो नाराज नजर आए, और इसके पलटवार में सीएम कमलनाथ ने कहा था कि मुझे मालूम है आप किसके इशारे पर यह बात कह रहे हो। यह बात इस ओर इशारा करती है कि जिस तरह से सीएम कमलनाथ अपनों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्रालय कैबिनेट बैठक के दौरान अलग अलग गुटों में बटी हुई नजर कांग्रेस आई, और एक बार फिर सीएम कमलनाथ के लिए सिंधिया खेमा मुसीबत बनते हुए नजर आ रहा है। और मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सिंधिया खेमा अब पूरी तरह से, अभी अगर जो बात करें बीते कुछ एक सप्ताह की बात करें, पहले भी जिस प्रकार से उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तब से नाराज चल रहा था सिंधिया खेमा, लेकिन एक बार फिर जिस प्रकार से कैबिनेट में फैसले हुए, दबाव बनाया जा रहा था कि मंत्रियों को इस्तीफा देना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर सीएम कमलनाथ अपनों से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और महन जी, एक और बात मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि कांग्रेस में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले रही है, अघोषित बिजली कटौती को लेकर निशाना साध रही है, ट्रांसपोर्ट उद्योग को लेकर निशाना साध रही है, ऐसे में कमलनाथ की मुसीबतें अपने ही मंत्री बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ये आगामी दिनों में और भी लामबंद हो सकते हैं, क्योंकि सीएम कमलनाथ की जो कार्यशैली है, क्योंकि वो राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक उनको अनुभव रहा है, वहां काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की सियासत कुछ अलग है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर में जो विधायकों को समय चाहिए, समय देने में कहीं ना कहीं वो असफल साबित हो रहे हैं, यही कारण है कि सीएम कमलनाथ लगातार निशाने पर आते जा रहे हैं। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा महन जी की, जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, सीएम कमलनाथ जो समन्वय के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं, विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि अलग अलग खेमों में बटी कांग्रेस पार्टी को अगर एक सूत्र में बांधने का श्रेय किसी व्यक्ति को जाता है तो वो सीएम कमलनाथ थे। अब ऐसे में ये कैसे पार पा पाते हैं इस पूरी कंडीशन में, और ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया का नहीं आया है, ऐसे में कई राजनीतिक जो एक्सपर्ट है वो इस बात का वेट कर रहे हैं कि आखिर कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे सिंधिया और जवाब देंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस में अंदर खाने, और क्या कुछ है इस सियासी माजरे का असली सच। बहरहाल, एक बात तो स्पष्ट है महन जी कि इस बार जिस प्रकार से सियासत गर्मा रही है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं सीएम कमलनाथ के लिए अपने ही मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं।
चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है, जहां एक और जनता से सरोकार रखने वाले तमाम मुद्दे राजनीति में चर्चाओं का विषय बनना चाहिए। और मध्य प्रदेश में जहां एक बार फिर बिजली गुल को लेकर हंगामा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा, और विपक्ष की तल्खी और तेवर दोनों ही सड़कों पर नजर आ रही है, तो ऐसे में खुद सीएम कमलनाथ अपने ही मंत्रियों से लगता है घिरते नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, और क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम कमलनाथ के लिए एक नई चुनौती बनकर उभर रहे हैं। एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरह इन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट mpnewstv.com को भी लॉग इन कर सकते हैं। यदि आप ये प्रोग्राम टेलीविजन पर देख रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। यदि फेसबुक या यूट्यूब पर आप ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना जरा भी ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।